बहुजन समाज पार्टी साहेब श्री काशीराम जी हमारे, श्री काशीराम जी हमारे, श्री काशीराम जी हमारे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। राजा राम साहब आए हैं, उनको सुनना चाहते हैं। जय भीम। श्री दर्शन राणा जी से कि वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। श्री दर्शन राणा जी एक जोरदार शुक्रिया मंच पर माननीय राजा राम जी टीम चरणजीत जी गौरव जी शशि जी अमित आज हम जिन महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं हमारे को पीछे की सोचने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिस कारवां को मान्यवर साहब जहां पे छोड़ गए हैं उस कारवां को आगे बढ़ाने की है और कारवां को आगे तभी बढ़ सकता है जब आपस में हम फिजिकली काम करेंगे। फिजिकली काम जब तक नहीं होगा मुझे लगता नहीं है कि कारवां हमारा आगे बढ़ेगा। और मेरी सभी साथियों से जितने भी साथी आज यहाँ पे हाजिर हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनसे सभी से अपील करूँगा कि इस कारवां को घर घर तक ले जाएं। जैसे मान्यवर साहब कैडर कैंप दिया करते थे उसका कार्यक्रम हमने भी शुरू किया है जिसमें दर्शन थापा जी दे रहे हैं और भी कई साथी जो काम कर रहे हैं और कैडर कैंप दे रहे हैं। उसके बाद मेरी सभी से अपील होगी कि जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं इलेक्शन की जो जितनी भी बात है माननीय राजाराम साहब आपको डिटेल में बता देंगे और जो अपने आर एच चरगोत्रा जी तुरसिलंगे जी और जो सीनियर साथियों ने जितनी भी बातें की हैं उस पर काम तो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन अगर जो उसमें थोड़ी बहुत कमी है उस कमी को भी हम आपके साथ बैठ के उसको हल करके और उसको कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मेरी सभी से अपील है कि जैसे बाम से पहले काम करता था बाम से भी उसी रूटीन में काम बाम से कर नहीं रहा है और अभी हमारे कुछ साथी जो बाम से में काम कर रहे हैं और उस कारवां को काफ़ी आगे बढ़ाया है उन्होंने और अभी जो हमारे जो कमी थी बामसेब की उसको तकरीबन कुछ ना कुछ हमारा जो काम है जो बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि जो बामसेब के साथ हैं इस काम को कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी बात रही कार्यक्रम की कार्यक्रम एक्चुअली हम इसको ओपन में करना चाहते थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इधर दौरा था और हमें लग रहा था कि हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती और उसके लिए हमें समय लगता इसलिए हमने जिन साथियों को बताया था वो साथी तकरीबन सभी साथी आए हुए हैं और मैं आज यही सभी साथियों से अपील करूँगा कि आज संकल्प लें कि जो मान्यवर साहब ने इस कारवां को जहाँ छोड़ा था उस कारवां को मंजिल तक ले जाए। इसी के साथ मैं सभी से रजा चाहता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पे उनको नमन करते हुए अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित जम्मू के जिम्मेदार साथी पदाधिकारी एवं जम्मू स्टेट के प्रेसिडेंट और स्टेट की बॉडी कोऑर्डिनेटर सभी सम्मानित साथी काफ़ी लंबे समय से हमें लगता है 2.5 से 3.25 घंटे के लगभग हो गया क्योंकि आपकी आवाज़ अंदर भी जा रही थी जब हम सोच रहे थे कि आप लोग थोड़ा बोल लें तभी हम चले हैं तो 2.5 से 3.25 घंटे कंटिन्यू आप लोगों ने संस्थापक के जन्मदिन पे प्रकाश डाला है और उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सोच रही है जो भी विचार रहे हैं जो भी ख्यालात आप लोगों के रहे हैं वो आप लोगों ने रखा है और सबकी मंशा थी कि यह मोमेंट आगे
बढ़ना चाहिए। रुकावटें, कमियां जो कुछ भी थी आप अपने घर में कह रहे थे, तो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहे थे, आप इसलिए कह रहे थे कि इससे सबक लेना चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे, क्योंकि आप लोगों की बातों को रिपीट करना और मुझे लगता है कि मानवर कांसी राम साहब के विषय में बहुत कुछ कहना, यहाँ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आप लोगों ने वह सौभाग्य भी प्राप्त किया है जिन्होंने इस मसीहा के साथ काम करके, बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जब उन लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों ने माननीय कांसीराम साहब के साथ काम किया है, तो वो लोग भी हमें बड़ा सम्मानित नज़रों से देखते हैं। तो हमने कहा इसी से आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं जिन्होंने कभी माननीय कांसीराम साहब के साथ काम किया है। ये लोग ऐसे महापुरुष, और किसी भी महापुरुष को ले लो, उस महापुरुष का जो जीवन का संघर्ष है, अगर एक लाइन में हम कहें कि उनके जीवन का संघर्ष ही एक बहुत बड़ा संदेश है। आप किसी भी महापुरुष को उठा लीजिए, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम सिद्धार्थ गौतम की बात करते हैं, कुशीनगर से उठाते हैं, हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। जब इन्होंने संघर्ष किया तो बुद्ध जी बने, तथागत बने,